झारखंड के गुमला पुलिस को मिली बड़ी सफलता। भाकपा माओवादी के सब रीजनल कमांडर निर्मल मिंज की लातेहार में गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर गुमला पुलिस ने 4 माओवादी के हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार 2 हार्डकोर नक्सली सरवन सिंह एवं छोटू खान उर्फ साहिब खान माओवादी के अलावा छोटे मोटे अपराधी संगठनों को हथियार का सप्लाई देने का काम करता था। पुलिस ने गिरफ्तार नक्सली से 2 हथियार बरामद किया गया है, जिसमें एक सिंगल शॉट का राइफल, एक 315 बोर का देसी राइफल सहित अन्य सामान है। चारों नक्सली की गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ में नक्सलियों के कई ठिकाने व उनके सहयोग करने वाले व्यक्तियों का नाम भी पुलिस के सामने नक्सलियों ने खोला है। हालांकि पुलिस अभी नक्सलियों के सहयोग करने वाले व्यक्ति का नाम नहीं बता रही है और जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। गिरफ्तार नक्सली गुमला, लातेहार व छत्तीसगढ़ के जसपुर जिला में माओवादी से हटकर अपना गिरोह चला रहा था एवं इन जिलों में आतंक का पर्याय के रूप में जाना जाता था। इस गिरोह का मकसद रंगदारी और लेवी वसूलना मुख्य पेशा था। पुलिस अधीक्षक गुमला ने इन चारों नक्सली की गिरफ्तारी की पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि मान रही है। साथ में इस गिरफ्तारी में शामिल पुलिस वालों को पुरस्कृत करने के लिए विभाग को अनुशंसा करने की बात कही है। सहित 4 माओवादी समर्थक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार नक्सली में सरवन सिंह, छोटू खान उर्फ सोहेल खान, आलोक बठला व सुरेंद्र तिर्की शामिल है। एसपी ने बताया कि इन चारों नक्सली की गिरफ्तारी डुमरी पालकोट व गुमला थाना से हुई है। एसपी ने कहा है कि गुमला जिला के डुमरी थाना से सटे लातेहार व जसपुर जिले में सक्रिय गिरोह है। बीएनपी न्यूज के लिए झारखंड से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। ये डुमरी जारी क्षेत्र में एक निर्मल मींस का दस्ता था जो लगातार वहाँ रंगदारी जो काम कर रहे थे उनसे लगदारी मांग रहा था। उसी को लेके हम लोग लगातार प्रयास में थे और जिसके वजह से हम लोग आसपास के थाना और जिला से भी संपर्क में थे। इसी को लेके लातेहार के द्वारा 2 दिन पूर्व निर्मल मींस को गिरफ्तार किया गया और उसने कन्फेशन में बताया कि यहाँ पर हमने डुमरी थाना क्षेत्र में कुछ आदमी से हथियार रखा है और वहीं से हथियार बरामद करवाता है। फिर वहां पे उसको जेल भेजा गया कल और कल हमने छापामारी दल का गठन करके सुबह से ही और एक जो मेन निर्मल मिंज का मेन सहयोगी था उसको यहां से गिरफ्तार किया। जो हथियार सप्लायर था सरवण नाम था वो पालकोट थाना से गिरफ्तार हुआ। उसी की निशानदेही पर छोटू खान करके एक टोटो का रहने वाला उसको उठाया और उसके साथ 2 और सहयोगी जो डुमरी के रहने वाले हैं, एक है आलोक बाखला और सुरेंद्र तिर्की, इन दोनों के को भी जो निर्मल मींज का जो दस्ता था उसके साथ ये लोग लेवी का काम करते थे, एक्सटॉर्शन मांगते थे आसपास जो भी क्षेत्र में काम चल रहा था, तो इनके 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया 2 हथियार के साथ, जिसमें एक सिंगल शॉट राइफल है और एक 0.315 बोर का राइफल है। निर्मल मीन जो था पहले भाकपा माओवादी का था, फिर वो उससे जब बाहर आया निकल के और अपना दस्ता बना लिया था लगभग 10-12 लोग का, जिसमें कुछ लोगों को जसपुर जिला से भी गिरफ्तार किया गया है 9 लोग को लगभग 9 तारीख को, और निर्मल मीन जो मेन था उसको लातेहार से भेजा गया, 4 लोग हम लोग अभी भेज रहे हैं। जिला में कितने कांड हैं? इसमें सरवन सिंह है जो हथियार का सप्लायर है, उसके जिला में 2 कांड और अभी पता चला है, आर्म्स एक्ट का ही दर्ज है और उसका काम है कि हथियार सप्लाई करना, वो माओवादी को भी हथियार देता था, तो हम लोग इसमें और छानबीन कर रहे हैं।